औद्योगिक नगरी पीतमपुर के सेक्टर 3 सागौर की सड़कों पर आवारा मवेशी की समस्या पुरानी है, लेकिन बढ़ते यातायात के बीच में यह मवेशी कई बार दुर्घटना का कारण बनते नजर आ रहे हैं। कई पशुपालक ऐसे हैं जो कभी भी अपने मवेशियों को खुले में सड़क पर छोड़ देते हैं, जिसके बाद मवेशी सड़क पर रात दिन बैठे रहते हैं, जिससे राहगीरों को आने जाने में तकलीफ होती है। इससे कई बार सड़क दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, जिस तरफ ना तो नगर पालिका का कोई ध्यान है और ना ही कोई प्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे रहा है। रहवासियों ने बताया कि कई बार मवेशियों को गौशाला में छोड़े जाने के बाद भी कुछ दिनों बाद वापस ये मवेशी रोड पर ही दिखते हैं और फिर रहवासी परेशान होते हैं। वहीं समाज सेवी विजय चौहान ने नगर पालिका से निवेदन किया कि जो भी पशुपालक अपनी गायों को खुला छोड़ते हैं, उन पर दंडनीय कार्रवाई की जाए, जिससे आने वाले दिनों में गायों की भी सुरक्षा हो और लोगों की भी जान जोखिम में न आए। वहीं सागौर के वार्ड क्रमांक 23 में गली मोहल्लों में ही रोड पर पशुओं को बांधा जाता है, जिससे रहवासियों को निकलने में तकलीफ होती है एवं उनका गोबर भी वहीं बीच सड़क में फेंक दिया जाता है। बारिश के मौसम में इस गंदगी से मच्छर पनप रहे हैं, जिससे कई प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं। पर नगर पालिका सागौर के जोन प्रभारी का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जोन प्रभारी गोपी तंबोली से कई बार शिकायत की गई, मगर कोई जवाब नहीं मिलता। या तो वे शिकायत भूल जाते हैं या तो समस्या का हल करना ही नहीं चाहते। काफ़ी दिन एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, काफ़ी दुर्घटना होती रहती है और बाज़ार के दिन भी घुस जाती है। बाज़ार में तो माता बहनों को काफ़ी दिक्कत की परेशानी उठाना पड़ती है।